मान रहे, मेरा नाम शौकत अली और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल मास्टर माइंड सखर वाला के नाम से। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है Amazon KDP मतलब Kindle डायरेक्ट पब्लिश। अब इस पर होता क्या है हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको उसको बताया एब्रीवेशन तो आप इसे समझ गए होंगे। यहाँ पर जो सेल होते हैं ना Amazon के इस प्लेटफॉर्म पर, यहाँ पर सेल होती है, बुक्स सेल होती हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर बुक सेल होती हैं, आपका अगर कोई भी अच्छा कंटेंट है, अगर आप कोई अच्छा कंटेंट लिखना जानते हैं या किसी की स्टोरी है आपके पास, अगर कोई आप स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं एज अ राइटिंग के थ्रू, यानी कि लिख कर आप से अपना लिख सकते हैं, तो आप इस प्लेटफॉर्म पर सेल कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर जो बुक सेल होती है ना, वो चार किस्म की बुक सेल होती है, ठीक। नंबर वन जो है वो है ई बुक। अब ई बुक से क्या मुराद है? ई बुक हम उसको कहते हैं जो एज अ PDF फाइल में होती है, ठीक। जस्ट लाइक PDF फाइल, PDF फाइल में आप उसको Amazon के KDP पे आप उसको सेल करेंगे, ठीक हो गया। वो जस्ट आपकी जैसे PDF फाइल तो वहाँ पर वो सेल होगी, ठीक। अब उसमें आपका फिजिकल जो कॉन्टेक्ट हो ना, फिजिकल आपकी बुक का कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं होता, यानी कि जस्ट लाइक आपने PDF आपने उसको सेल की है, ठीक। टाइप नंबर जो दो है वो है पेपर बैग। पेपर बैग हम उसको कहते हैं, यानी कि जो फिजिकल जो हमारी बुक्स होती है ना, जस्ट लाइक ये हमारी फिजिकल बुक्स हो गई, ठीक। अब हम क्या करते हैं, जब हम Amazon पे पेपर बैग जो हम सेल करते हैं ना, तो हम Amazon को बताते हैं ये पेपर बैग की सूरत में इसको मैं सेल करूँगा। तो Amazon फिर क्या कहता है कि भाई अगर आप इसको जब पेपर बैग की सूरत में सेल करेंगे, तो जिसका आप ऑथर का नाम आपको देना पड़ेगा, ऑथर का नाम देने के बाद टाइटल आपको देना पड़ेगा, जस्ट जिस ऑथर का नाम दिया टाइटल दिया, उसके बाद आपको फ्रंट आपको देना पड़ेगा, ये आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा। भाई आप डिज़ाइन आप करके दो, उसका बैग भी आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक। बैग भी आप डिज़ाइन करेंगे, Amazon को आप बताएंगे कि ये मेरा पेपर बैग की सूरत में सेल होगा, तो फिर Amazon क्या करेगा, जस्ट लाइक आपको क्या करना है, वो आपसे टाइटल मांगेगा बुक का, जो आपको टाइटल देना, ऑथर नेम आपको देना, उसका फ्रंट पेज और उसका बैक पेज, ठीक। और Amazon बीच में ये भी पूछता है कि जो आपके बीच में जो पेपर इस्तेमाल ये होने हैं, ये कौन से हैं, क्रीम कलर के व्हाइट कलर के, वो सब आप उसको रिकमेंडेंट करेंगे। रिकमेंडेंट करने के बाद फिर जब क्लाइंट का, यानी कि जब कस्टमर का आपका आर्डर आता है ना, यानी कि आपने वो पब्लिश कर दिया Amazon के KDP के प्लेटफॉर्म पर, किसी कस्टमर ने उसको देखा, कस्टमर को पसंद आया, कस्टमर ने जब आपको यानी कि आर्डर किया ना उसको, तो फिर Amazon क्या करेगा, Amazon खुद ही उसको प्रिंट करेगा जो आपने उसको रिक्वायरमेंट दी है, ठीक। उसको ब्लैक एंड वाइट पेपर में उसको, यानी कि ब्लैक एंड वाइट पेपर में उसको प्रिंट करेगा, और फिर आपका टाइटल नेम, ऑथर नेम और आपका फ्रंट कवर, आपका बैक कवर, इन दोनों कवर की सेटिंग करके जो भी आपने डिज़ाइन उसको बताया, जिस भी कलर का आपने उसको डिज़ाइन दिया हुआ, ठीक, उसको जस्ट प्रिंट करके आपके क्लाइंट को, आपके कस्टमर को पहुंचाएगा। ये आपका होता है पेपर बैग, ठीक हो गया। अब आपको समझ आ गया होगा कि ई बुक और पेपर बैग में क्या डिफरेंस है, ठीक। अब टाइप नंबर हम थ्री की बात करते हैं, वो होता है हार्ड कवर। अब हार्ड कवर और पेपर बैग में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। हार्ड कवर से जो मुराद होता है, ये गत्ता हार्ड होता है, यानी कि मोटा गत्ता, जिसको यानी कि जो चार दिन ज़्यादा चले, वो होता है हमारा हार्ड कवर, ठीक। बस जस्ट लाइक पेपर बैग की तरह ही होता है ये, बस इसमें जो फर्क होता है वो होता है गत्ता हार्ड करना पड़ता है आपको, ठीक हो गया। बाकी सारे के सारे जो आपने उसमें मेंशन करने, वो आपके पेपर बैग की तरह मेंशन करने, आपका लोगो हो गया, यानी कि टाइटल नेम आपका हो गया, ऑथर नेम आपका हो गया, फ्रंट और बैक कवर आपको उसमें डिसाइड करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और मैं ऐड कर दूँ, वो ये कि आपको बुक का साइज क्या रखना है। बुक का साइज यहाँ पर इंचज में सेल होता है, यानी कि 5x7 हो गया, 7x8 हो गया, इस तरीके से सेल होता है, वो Amazon खुद भी रिकमेंडेशन आपको करता है। अब हम जो बात करते हैं वो टाइप नंबर 4 की बात कर लेते हैं, ठीक हो गया। टाइप नंबर जो 4 है वो है सीरीज बुक। अब सीरीज बुक से क्या मुराद है? सीरीज बुक से वो मुराद है कि यानी कि जब हम कोई भी ड्रामा देखते हैं ना, अपने एज अ इंडियन के लो, एज अ पाकिस्तानी के लो, यानी कि हमें उसका एक एपिसोड देगा, एक एपिसोड के बाद अब हमें पता है कि उसका दूसरा एपिसोड भी आएगा, दूसरे के बाद तीसरा एपिसोड भी आएगा। तो इसी तरीके से सीरीज बुक भी है, यानी कि आपने एक एडिशन पब्लिश किया KDP पर, वो आपका सेल हुआ, आपके क्लाइंट को आपका सेकेंड एडिशन का इंतज़ार है, यानी कि उसमें आपने सीरीज रखने की, ये मेरी फर्स्ट सीरीज हो गई, सेकेंड सीरीज, थर्ड सीरीज, तो ये सीरीज मतलब हो गया, ठीक। अब ये चार किस्म की होती है, यानी कि चार टाइप्स होते हैं Amazon KDP पर सेल करने की बुक्स।
नंबर वन मैंने आपको बताया ई बुक, नंबर टू मैंने आपको बताया पेपर बैग, नंबर थ्री मैंने आपको बताया हार्ड कवर, नंबर फोर मैंने आपको बताया सीरीज बुक। ठीक, चार किस्म की ये बुक सेल होते हैं अमेजोन पर। अगर आपके पास अच्छे स्किल्स हैं, आपके पास कोई भी स्टोरीज हैं, आप अच्छा कंटेंट राइट करना जानते हैं एज अ ड्रामे के हवाले से, एक स्टोरी के हवाले से, एक रियल लाइफ में, या एक किसी भी बुक का, आप जैसे फिजिकली कोई हम लोकल बुक किसी की उठा लेते हैं, लोकल बुक जब आप वहाँ से उठाएंगे तो सिर्फ आपने जस्ट लाइक कॉपी पेस्ट नहीं करना है, कॉपी पेस्ट करेंगे तो कॉपीराइट का क्लेम आ जाएगा। आपने वहाँ से पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपने जस्ट लाइक वहाँ से आइडियाज लेने, आइडिया लेने के बाद आपने खुद उसको डिफाइन करना है, डिफाइन आप अपने तरीके से करेंगे। बस इसमें यह कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश आपकी अच्छी होगी तो आप उसको अच्छे तरीके डिफाइन करेंगे, वो स्किल्स आपके इसमें थोड़े से एफर्ट्स यूज होंगे इसमें आपके। ठीक, आप अच्छे तरीके उसको डिफाइन करेंगे तो मार्केट में उसकी वैल्यूज भी होगी। ठीक हो गया, यानी कि आपने वहाँ से आइडिया लेने, आइडिया लेने के बाद आपने लिखना खुद है अपने तरीके से, अपने मेथड से आपने लिखना, लिखने के बाद आप अमेजोन PDP प्लेटफॉर्म पर आप आएंगे। मैंने आपको बताया प्लेटफॉर्म पर आने का जो प्रोसीजर है, वो आपका जो अकाउंट बनेगा वो आपके नंबर, जस्ट एक आपकी जीमेल आईडी और आपके नंबर से आपका अकाउंट बन जाएगा PDP का। ठीक, उसके बाद फिर जो सारे प्रोसीजर है मैं आपको अगली वीडियो में वो भी बता दूंगा, अकाउंट किस तरीके से बनता है PDP का मैं आपको वो अगली वीडियो में बताऊंगा। जस्ट लाइक ये जो वीडियो बनाई थी वो सिर्फ ये के मतलब है कि अमेजोन PDP का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपकी बुक के स्किल्स आपके सेल होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर वीडियो आपकी इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।